अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मामास किचन। आज मैं बना रही हूँ मसालेदार बिरयानी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सिंपल और बहुत इजी है और खाने में बहुत मज़ेदार है। अब हम अपनी रेसिपी तरफ चलते हैं। पहले हम आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। जायफल जावित्री 1/2 टीस्पून, पिसी मिर्चें 1 टीस्पून, कुटी मिर्चें 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काला ज़ीरा 1 टीस्पून, यहाँ पर साबुत गरम मसाला, 2 बादियान के फूल, तेज़पत्ते, दालचीनी के 3 टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, काली मिर्चें 10 से 12 दर, 6 लौंगे हमारे पास, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, 3 अदद टमाटर हमारे पास, काली मिर्चें 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, हरी मिर्चें पिसी हुई हमारे पास हैं 6 दर, 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, 12 दर हमारे पास आलू बुखारे भीगे हुए, 2 प्याज हमारे पास छोटी, 1 टेबल स्पून अदरक है हमारे पास, 1 किलो चिकन है हमारे पास, 1 किलो चावल है, 3/4 कप ऑयल लेंगे हम, उसमें प्याज डालेंगे, लाइट गोल्डन करेंगे प्याज को, ये हमारी लाइट गोल्डन हो गई, फिर चिकन डालेंगे। बहुत सिंपल और बहुत इजी और खाने में बहुत मज़ेदार बनेगी बिरयानी हमारी। चिकन डालेंगे, इसमें लहसुन अदरक डालेंगे और इसको भूनेंगे ऑयल के अंदर। लहसुन डाल दिया हमने इसके अंदर, अदरक डालेंगे इसके अंदर, इसको थोड़ा भूनेंगे, फिर इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे, ये हमारी चिकन भून रही है। इसमें तेज़पत्ते डाल दिए, बादियान के फूल, मिक्स गरम मसाला डाल देंगे इसके अंदर हम, सफ़ेद ज़ीरा काला ज़ीरा भी डालेंगे इसके साथ ही हम, जायफल जावित्री बाद में डालेंगे हम, हमने सफ़ेद ज़ीरा काला ज़ीरा डाल दिया इसके अंदर, ये हमारी चिकन भुन गई है। अब इसे मसाले डालेंगे, हरी मिर्ची डाल दी हमने, धनिया डाल दिया पिसा हुआ, हल्दी डाल दी इसके अंदर, काली मिर्ची डाल दी इसके अंदर, आलू बुखारे डाल दिए, नमक डाल देंगे, सब मिक्स मसाले डाल देंगे हम पिसे हुए इसके अंदर। मसाले डालने के बाद इसको ढक देंगे हम। टमाटर के पानी में चिकन गल जाएगी। ये जायफल जावित्री, पिसी मिर्ची, कुटी हुई मिर्ची डाल दी, इन सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इनको स्लो हीट पे रख देंगे हम गलने के लिए, ताकि हमारी चिकन अच्छी तरह गल जाए। ये चिकन गल गई है, पानी खुश्क हो गया इसका। अब इसमें चावल डालेंगे, 1 किलो हमारे पास भीगे हुए चावल है बासमती राइस, वो डालेंगे इसके अंदर हम। ये हमने चाट मसाला डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, बाकी हम दम पे डालेंगे बचा हुआ गरम मसाला और चाट मसाला। हाँ, धनिया पुदीना डालेंगे इसके बाद,
आप कलर देख सकते हैं सालन का। हरा धनिया पुदीना डाल दिया हमने, थोड़ा सा हम दम पे डालेंगे, इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, फिर इसमें हम चावल डाल देंगे। एक किलो बस चावल है ये बासमती, 3 से 4 गिलास में पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे ताकि चावल हमारे भीग जाए। थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे हम। आप देख सकते हैं बिरयानी का कलर, खाने में बहुत मज़ेदार बनेगी और झटपट तैयार होने वाली बिरयानी है। जब इसे पानी डाल दिया, स्टेज पे आप नमक चख सकते हैं, अगर नमक कम हो तो आप और डाल सकते हैं। हमने दही ले ली 250 ग्राम, इसमें पिसी हुई काली मिर्ची डालेंगे 1/2 टीस्पून, पिसा गरम मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून, डालेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, ये खीर डाल दिया हमने, इसमें प्याज डालेंगे चौपकी हुई, खीर डालेंगे चौपकी हुई, नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, नमक डालेंगे इसके अंदर। मसालेदार बिरयानी है तो इसलिए हमने इसके साथ लाइट रायता रखा है। थोड़ा धनिया पुदीना डालेंगे इसके अंदर और ये सिंपल से हमारा रायता तैयार हो जाएगा बिरयानी के साथ, मसालेदार बिरयानी के साथ। इसमें थोड़ा सा धनिया और पुदीना डाल देंगे। ये चावलों का पानी खुश्क हो गया, इसको दम पे रखेंगे हम। इसमें ना धनिया पुदीना डालेंगे, उसके बाद हमारे पास हमने जो चाट मसाला और गरम मसाला बचाया था वो डालेंगे इसके ऊपर, फिर इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये चाट मसाला है बस, गरम मसाला, इन दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर से डाल देंगे हम हरा धनिया पुदीना डालेंगे और उसको दम पे रख देंगे। 10 मिनट बाद इसका हम दम खोलेंगे और डिश आउट करेंगे इसको। ये बिरयानी हमारी तैयार हो गई है, अब इसका दम खोलेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। ज़्यादा मसाले भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है, मसालेदार है, खाने में बहुत मज़ेदार है। आप इस तरीके से बनाइएगा इसको। इसके साथ हमने रायता सर्व करा है, ये हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।